तो आप मेरा काम जानते हैं कंटेंट क्रिएटर का, और मुझे काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी लिखने होते हैं, रिव्यूज़ भी लिखने होते हैं, और जो मेरी जॉब है डिजिटल मार्केटिंग, वहाँ पर मुझे एड्स वगैरह भी लिखनी होती हैं, ब्लॉग कंटेंट भी लिखना होता है। तो उसी के लिए मेरे काफ़ी टाइम चले जाता है ये सोचने में कि भाई कैसे लिखूँ। कई बार गलत भी लिखा जाता है, उन्हें बार बार चेक करना भी पड़ता है। तो ऐसी एक वेबसाइट मेरे हाथ में है जो कि है कॉपीमेटिक, और ये AI के थ्रू आपका ब्लॉग कंटेंट, आर्टिकल जनरेटर, जितना आपको यहाँ दिख रहा है एड्स वगैरह, सब कुछ ये आराम से इजीली राइट कर देगा। तो यहीं पे आपको फ्री में अकाउंट में जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको अराउंड 1500 कैरेट्स मिल जाएंगे, जिनको आप और भी तरीके से रीजनरेट कर सकते हैं। मैं भी आपको अकाउंट सेटिंग्स पे जाकर दिखा भी देता हूँ कि कैसे पहले आप उनको रीजनरेट कर सकते हैं। आपको सेटिंग्स में आने के बाद फ्री कैरेट्स में आना होगा। यहाँ पे अगर आप रिव्यू लिखते हैं तो 3000 कैरेट्स मिल जाएंगे। G2 पे कैरेट्स मिल सकते हैं, क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तब मिल सकते हैं, ट्वीट करते हैं तब आपको और कैरेट्स मिल जाएंगे। तो एक रीजनरेशन है जो आप यूज कर सकते हैं। और डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा, जैसे कि आर्टिकल को जनरेट कर सकते हैं, ब्लॉग कंटेंट लिख सकते हैं, स्मार्ट एडिटर कंटेंट को रीराइट कर सकते हैं, पैराग्राफ भी है, ब्लॉग्स वगैरह आइडियाज भी लिख सकते हैं, और जो बेसिकली मेरे लिए यूज होता है SEO कीवर्ड्स आइडियाज वगैरह भी आप ढूंढ सकते हैं, ये भी एक मेरे से यूज होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और अबाउट अस के बारे में लिख सकते हैं, वेबसाइट के लिए कॉल टू एक्शन लिख सकते हैं, और नीचे अगर मैं आऊँ तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट, इंस्टाग्राम कैप्शन जनरेटर भी है इसके अंदर, इंस्टाग्राम जनरेटर, हैशटैग जनरेटर। तो अगर आप इसको पता करना चाहते हैं तो ये भी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे गूगल एड्स हेडलाइंस भी हैं और डिस्क्रिप्शन भी हैं जो कि आप यहाँ लिख सकते हो, वीडियो टाइटल डिस्क्रिप्शन, जो कि अक्सर मैं अपने उसमें यूज करता हूँ वीडियोज में भी। तो ये वाली चीज यहाँ पे है जो कि मैं यूज करता हूँ। कोरल आंसर भी है, बायो भी है, मतलब जो कुछ भी आप सोच सकते हो सब कुछ यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप कैसे इसको यूज करना चाहते हो तो वो भी अभी मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ। सपोज करें कि जैसे कि आपको गूगल एड्स का हेडलाइंस ही लिखना है, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको आ जाएगा, पूछेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, मेजरली सारी लैंग्वेजेस यहाँ होती हैं। अगर आपको ऐसा ढूंढना ही भैया कोई स्पेशली लैंग्वेज है तो मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज जिसमें गूगल एड्स करते हो सारा कुछ यहाँ पे शोकेस है। हिंदी भी है, अगर आप कहना चाहते हैं क्रिएटिविटी कैसे रखना चाहते हो, हाई रखना चाहते हो कि नहीं, प्रोफेशनल है, चाइल्डिश है, लग्जरी है, कॉन्फिडेंट है, एक्साइटिंग है, ये लिख सकते हो। ऑडियंस के बारे में बता सकते हो कि भैया किस ऑडियंस टाइप का क्या है। सपोज करो कि जैसे कि भैया फ्रीलांसर्स के लिए लिख रहे हो, कि या मैं कर देता हूँ, चलो ऐसा कर देते हैं कि हम सर्च कर रहे हैं फॉर नॉर्मली फोन्स, फोन्स के लिए हम बना रहे हैं, और प्रोडक्ट नेम हम दे देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं वीवो फोन्स, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत भाई किस टाइप के हैं, मतलब कि न्यू लॉन्च ऑफ द वीवो फोन 5G कर देते हैं, और हम यहाँ पे जनरेट करके देखते हैं कि भाई किस हिसाब से हमें हेडलाइंस यहाँ देखने को मिलती हैं। तो अभी हम जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो जनरेटिंग आइडियाज आ रहा है, और AI कह रहा है कि भैया 30 सेकंड तो ले सकता है। अब यहाँ पे आपको देख रहा है आइडियाज काफी सारे दिख गए, इंट्रोड्यूसिंग द वीवो फोन 5G, बहुत सारे लेटेस्ट न्यूज एंड रिव्यूज, आप इसे कॉपी करके सेव कर सकते हो, परचेज आ गया, एक कॉल टू एक्शन आ गया, परचेज भी आ गया, और द फोन ऑफ द फ्यूचर इज हेयर 5G अवेलेबल नाउ। तो आप सारे सिलेक्ट कर सकते हो एक साथ, या डिसलेक्ट कर सकते हो सारे, कॉपी ऑल कर सकते हो, उसको कहीं रख सकते हो, सेव कर सकते हो। और यहाँ पे मेरे आप देख रहे हो इधर यूज करने का 52 क्रेडिट्स लगे अराउंड 1500 में से। तो यानी कि ऑलमोस्ट अभी भी मेरे पास काफी सारा स्कोप है यूज करने का, और टूल्स मैं आपको सब कुछ मैं बता ही चुका हूँ कि सारा काफी कुछ है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ईमेल भी राइट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, नॉर्मल पीस है जिसको जाके आप परचेज भी कर सकते हो। तो इतना ज्यादा प्लान भी मैं कहूँगा कि हैवी नहीं है इनका, प्लान भी काफी हद तक ठीक है। क्रोम एक्सटेंशंस वगैरह है, यहाँ पे आपको हेल्प चार्ट भी दी गई है, तो आप इनको यूज करके प्रोफेशनल रूप से, आपको लगेगा कि यार किसी कंटेंट राइटर ने लिखा है, वो सब कुछ यहाँ पे आप इजीली यूज कर सकते हो, आपका कंटेंट राइटर का जो काम है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो एक वेबसाइट मिलती है, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आए, पसंद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, चैनल के साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।